अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज यात्रा 2021 के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। जी हाँ, गाइडलाइन में क्या क्या कहा गया है, सारी जानकारी, सारी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि कोई बात आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक ज़रूर फैला दें, ज़रूर शेयर कर दें। अब सुनिए मुकम्मल जानकारी। दोस्तों, सऊदी अरब सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण जारी निर्देश मिलने के बाद हज कमेटी राजस्थान ने तय किया है कि हज यात्रा 2021 के आवेदकों को हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट hajcommittee.gourmet.in पर अपना ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, ज़रूरी होगा। हज कमेटी राजस्थान के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर महमूद अली खान ने बताया है कि सऊदी सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के तहत हज आवेदकों के लिए कोविड-19 के चलते ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इसमें हज आवेदकों को कोविड वैक्सीन की प्रथम व द्वितीय डोज लगाने के बाद उक्त कोविशील्ड या कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट हज कमेटी की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यदि 6 माह के भीतर कोई भी आवेदक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुआ है तो इसकी सूचना ऑनलाइन फॉर्म में भरनी होगी। यदि कोई हज आवेदक मेडिकल फिट नहीं है या 6 महीने के भीतर किसी बीमारी में मुबतला हुआ है या कोई बीमारी हुई है तो उसको हज यात्रा पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हज यात्रा 2021 में जो भी हज आवेदक हज यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन फॉर्म में हाँ या ना पर टिक करना ज़रूरी है। हज आवेदकों को आयु 18 साल की उम्र से 60 साल उम्र की गई है। जिन हज आवेदकों की उम्र 60 से ज़्यादा है उनको जो है हज यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि फ़िलहाल सऊदी सरकार द्वारा भारतीय हज यात्रियों हेतु हज कोटा आवंटित नहीं किया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट hajcommittee.gourmet.in अथवा राजस्थान स्टेट हज कमेटी की वेबसाइट rajhajcommittee.in एवं राजहज मित्र ऐप पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपने पूरी खबर जाना कि किस तरीके से सऊदी सरकार ने नई गाइडलाइन हज के लिए जारी किया है और इस गाइडलाइन में क्या क्या कहा गया है, सारी जानकारी हमने आपको बताई है। उम्मीद है ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर आप फैला देंगे। खुदा हाफिज़।